अलीगढ़ के थाना कोतवाली के अंतर्गत स्थित दही वाली गली में बीते दिनों पहले बर्तन व्यापारी के यहाँ लगभग 12,50,000 रुपये और 20,000 रुपये की नकद की चोरी हुई थी। वारदात की अलीगढ़ पुलिस द्वारा खुलासा कर दिया गया है। पुलिस द्वारा एक ऐसे ही गिरोह को दबोचा गया है जो बंद मकानों में रेकी करके उसमें चोरी किया करते थे, फिर चोरी के माल को बेचकर हिस्सा बराबर में बांट लिया करते थे। अलीगढ़ के SSP अजय कुमार साहनी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मुखबिर की सूचना पर अब्दुल करीम चौराहे के निकट से दो आरोपियों को चोरी किए हुए सोने के बिस्किट, आभूषण और 20,000 रुपये नकद के साथ दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहीं उनका एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया। आरोपियों द्वारा अपना जुर्म कबूल कर लिया गया है, साथ ही पुलिस और चोरियों में होने की बात भी स्वीकार की है। पुलिस द्वारा आरोपियों को जेल भेज दिया गया और फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक व्यवसायी है रुकुद्दीन, उनके घर एक बड़ी चोरी हुई थी। कोतवाली पुलिस ने चोरी का सारा माल करीब 12.5 लाख रुपए का बरामद किया है और इसमें दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस टीम को मेरी तरफ से 10,000 रुपए का रिवार्ड दिया गया है। दो लोग पकड़े गए हैं, उसमें दो लोग गिरफ्तार हुए हैं, एक अभी तभी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम कोशिश कर रही है। गिरफ्तार लोगों में कोई अपराधी थे? हाँ, गिरफ्तार लोग हैं, इन्होंने पहले भी कई घटनाएं की हैं। इस घटना के साथ दो और घटनाओं का माल बरामद हुआ है, इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस टीम को इनाम 10,000 रुपए का रिवार्ड पुलिस टीम को।